तो चलिए यार, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं गॉड ऑफ वॉर का गेम प्ले, और ये इसका 10th एपिसोड है यार। तो इसमें आप सबका स्वागत है। और गेम प्ले शुरू करने से पहले भाई, मैं एक बार फिर से आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप इस सीरीज को बहुत प्यार दिखा रहे हो, तो बस इसी तरह प्यार बनाए रखो। और चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में एट्रियस ठीक हो गया था। यार फ्रेया ने बहुत हेल्प की है यार, कुछ भी बोलो। यार फ्रेया जेन्युइनली में बहुत अच्छी है। उन्होंने बताया कि उनका दरवाजा हमेशा खुला है क्रेटोस और एट्रियस के लिए, तो कभी भी जरूरत रहेगी तो वो आ सकते हैं। तो लास्ट एपिसोड में यार इसके बिना खेलना पड़ा था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज इसके साथ ही खेलेंगे। छोटू चल। Now then, before Modi so rudely interrupted us, we were just about to explore Tyr's vault. Yes, to find the black rune. Boy, do you know the way from here? Oh, I don't know. Sure you do, lad. We need a boat. I don't know. I guess we need a boat. Okay then. बच्चा बीमार होने के बाद से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड नहीं लग रहा है। तो मिमिर ने बोला यार कि थॉर के छोटे बेटे ने आके अपने को इंटरप्ट कर दिया था, और हम लोग जा रहे थे ब्लैक रून खोजने के लिए, तो अभी हम लोग वहीं जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जितने खजाने यार, सब कुछ लेके जाएंगे हम लोग, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं यार, क्योंकि अब मेरे को बहुत कुछ मिल गया यार, जिससे मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ट्रेजर छूटना चाहिए। ये देखो, जैसे ये सामने वाला मैजिकल डोर हम लोग नहीं खोल सकते थे, लेकिन अब खोल सकते हैं। और लास्ट एपिसोड में हम लोग हेलहाइम तो गए थे एट्रियस की वजह से, एट्रियस को बचाने के लिए, लेकिन ब्लेड ऑफ क्योस भी मिल गया इस चक्कर में अपने को, तो ये अच्छा काम हुआ भाई। उस डोर के अंदर भी वैल्करी है, जो कि बहुत गंदा पीटती है, तो उससे भी हम लोग लड़ सकते हैं, लेकिन वो साइड मिशन है। तो आप लोग कमेंट करके बताना यार कि साइड मिशन किया जाए या नहीं किया जाए। अच्छा, ये लास्ट एपिसोड में मैंने विंड्स ऑफ हेल को नीचे ले आया था, अभी इसको तुरंत 10 सेकंड के अंदर यार ले जाके दूसरी जगह ट्रांसफर करना होगा। अब इसको आगे कैसे लेके जाएं? आई थिंक इस बॉक्स को हम लोग खींच सकते हैं ना, खींच के आगे जगह बन जानी चाहिए। जाने के लिए उछल उछल के आई थिंक जंप करूंगा एक बार यहाँ, और उसके बाद वहाँ, और वहाँ पे एक ट्रेजर रखा हुआ है, और वो खजाने का डोर तभी खुलेगा जब भाई ये विंड्स ऑफ हेल मैं लेके वहाँ जाऊँगा। तो चलो, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से लेके जाना होगा, ऐसे टाइम तो बहुत है। जैसे ही अपने ब्लेड में खींचूंगा, टाइमर शुरू हो गया है। टाइम ऐसे बहुत है, टेंशन नहीं उसका। 5 सेकंड बचा हुआ है, खुल जा भाई, और कुछ अच्छा देना यार, इतनी मेहनत करवा दी। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में विच के पास आए थे यार, ये सब हम लोग कुछ ले नहीं सकते थे, क्योंकि अपने पास बहुत सारे मैजिक्स नहीं थे, लेकिन अब सब कुछ आ गया है, तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग यहाँ पे। और कुछ लेने लायक तो नहीं लग रहा मेरे को, आगे वाला मैं पहले ही ले चुका हूँ। हाँ, यहाँ से मैं ले ही चुका हूँ भाई, अब आई थिंक कि कुछ नहीं छोड़ा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया है। तो अब भाई बोट लेके अपने को जाना होगा वापस से टीयर्स के वॉल्ट में, वो टीयर टेम्पल के नीचे ही है उसका वॉल्ट, और वहाँ से अपने को ब्लैक रून चाहिए, क्योंकि इस ब्लैक रून के जरिए ही हम लोग योटनहाइम में जा सकते हैं, और उसी रेल में जाकर जो कि गेम का स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव है भाई, कि क्रेटोस की वाइफ की अस्थियां बहानी थी सबसे ऊंचे पहाड़ से। तो सबसे ऊंचा पहाड़ मिमिर ने बताया योटनहाइम में, तो वहीं अब अपने को जाना है। लेकिन उसके लिए पहले एक समझ लो कि सीक्रेट कोड है ये ब्लैक रून, जिसके पास है वही जा सकता है। तो एक तरह से आप समझ लो कि ये पासवर्ड है, और ये पासवर्ड मिलने के बाद ही हम लोग योटनहाइम जाने तक का ब्रिज को एक्सेस कर सकते हैं, और तभी भाई अपन योटनहाइम में जा सकते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ कि थॉर का बेटा इस बार आया तो बहुत ही पिटेगा, नहीं छोटा वाला, क्योंकि वो तो ऐसे भी पिटा हुआ था, अब अपने पास ब्लेड ऑफ क्योस भी आ गया है, तो मजा आएगा यार वो आ गया तो। कौन से हथियार से मारूं? दोनों से मिला के मारूंगा यार उसको, दोनों से डिजर्व करता है वो मार खाना। तो एट्रियस को अभी तक सच्चाई नहीं बताई है क्रेटोस ने कि एट्रियस भी एक गॉड है और क्रेटोस भी गॉड है। The boat washed ashore. Someone did call a serpent earlier. तो किसी ने तो giant serpent को बुलाया था यार last episode में, और उसी की वजह से boat पीछे फेंका गई है जब वो पानी से निकला तो, पर किसने बुलाया क्या पता यार। आजा छोटू। Atreus बहुत ज़्यादा चुपचाप नहीं लग रहा है, क्यों? You are quiet. Are you not better? I guess. I know you overheard my talk with Freya. You think you understand, but you do not. लगता है सुन लिया इसने बात करते हुए फ्रेया से। Why do you say nothing? You said I was cursed. You think I'm weak because I'm not like you. I know I was never what you wanted. But after all this, I thought maybe things were different. You do not know everything, boy.
No. But at least I know the truth now. Truth. इसको सच्चाई नहीं पता अभी भी एट्रियस को. Truth. लगता है क्रेटोस बताने वाले हैं क्या? I'm a god boy. अरे. From another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god, and so were you. तो क्रेटोस ने यहाँ के कोशिश की एक इंसान की जैसे रहने की, लेकिन वो नहीं रह सकते क्योंकि वो गॉड है और एट्रियस भी. Have you nothing to say? कुछ तो बोल यार एट्रियस. Can I turn into an animal? Can you turn into an animal? एट्रियस जानना चाह रहा है यार गॉड है तो कुछ सुपर पावर भी है क्या? No. No, I do not think so. एट्रियस किसी जानवर में बदलना चाहता है. I'm a god. Mother knew? She was a god too? No. She was mortal, but she knew my true nature. I'm a god. एट्रियस खुश हो गया ये जानकर. Why did you wait so long to tell me? इतना दिन इंतजार क्यों किया? सही बात है. I had hoped to spare you. Being a god, it can be a lifetime of anguish and tragedy. That is the curse. क्रेटोस अपने बेटे को बचाना चाह रहे थे, ये उसको नहीं बता गया कि वो भी गॉड है. What sorts of things can I do? Can I fly? Or turn invisible? I don't feel like God. I do not know the reach of your godhood. But over time, we will learn. तो छोटू को जानता है कि क्या वो उड़ सकता है, गायब हो सकता है, तो क्रेटोस को भी नहीं पता किसकी क्या पावर है. You sure I can't turn into a wolf? You are welcome to surprise me. Is this why I hear voices sometimes? Are you sure you've never heard any? Not as you do. That's no surprise. Every god is unique. So, maybe I won't get strong like father, but I'll have abilities all my own? You already do, laddie. Your faculty for language is extraordinary for one so young. Time alone will tell what else you'll become capable of. So you knew all along? I did, lad. But I've known more than my share of gods. Me too, apparently. I wonder who else knew I was a god. Freya for sure. Brock and Sindri? They do not need to know. Baldur! Does he know? Is that why he's after us? Do you know him from before? The day of your mother's funeral was the first I ever saw Baldur. That is the truth. Hey. You don't have to go right back to Tearsvault, do we? I mean, we're God. We can do whatever we want, right? What do you really feel like doing? I will show you. Let's try this again, without interruptions. तो क्रेटोस ने मना किया कि ब्रॉक और सिंद्री को बताना मत कि तुम गॉड हो. और जैसा मिमिर ने बताया कि सारे गॉड्स की पावर अलग अलग होती है, तो एट्रियस की भी कोई स्पेशल पावर देखने मिल सकती है अपने को. छोटू पढ़ इसको यार, इस बार कोई डिस्टर्ब मत करना. Read it. Death itself I swallow. To spring forth life from death. Oh, I like that one. I wonder if I wrote it. इसका जवाब यहीं कहीं आसपास, ये सामने ही तो है. ये रहा. छोटू पढ़ सकता है इसको. Says earth. Swallows death, brings forth life. अर्थ लिख के देखिए यार यहाँ पे. Go. Yeah. काम होना चाहिए इस बार. चलो काम हो गया है. I wish I'd known I was a god now, Fawn. I wouldn't have felt so bad about killing so many elves. Well, I'm not sure that's the lesson. You've done nothing to regret. The elves forced their affairs upon us. No, I get it now. We had god things to do, and they were in the way, dragging us into their little problems. Again, are we just leaving that there? I mean, just knowing we're gods makes me feel so much stronger. Maybe you feel a little too good right now. With power comes a big choice, lad. You can either serve yourself or put your godhood in the service of others, like Tyr did. People really loved him, huh? Aye, a god of war, but one who fought for peace. Had a reputation for being heroic and lawful, using his power and knowledge to stop wars rather than start them.
So there are good gods. Once in a moon, it's been known to happen, yes. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार कि ये एट्रियस घमंडी होते जा रहा है जब से इसको पता चला है कि ये गॉड है तो अभी तक रास्ते में जिन लोगों को भी मारा एट्रियस ने अब उसको बुरा नहीं लग रहा है इस चीज का। This one mentions places I've never heard of. Seems Tyr really liked to travel. Tyr believed the mind, not might, was key to preventing war and chaos. And he also knew visiting other cultures would give him perspective staying in one place could not. While Odin always hoarded knowledge, guarding it jealously, Tyr was open and sharing with his learning and his wisdom. For this, mortals adored Tyr, showing their love by bringing him gifts the world over. तो मिमिर एट्रियस को समझा रहा है कि अगर गॉड बनना है तो टियर कैसे बनो जो कि गॉड ऑफ वॉर थे लेकिन वो जंग कभी नहीं करना चाहते थे सब में पीस करवाते थे। Odin came to regard him as a threat to his rule. He suspected Tyr of collaborating to aid the giants instead of helping to steal their secrets for the Aesir. Same thing he accused me of, frankly. Though in Tyr's case, I believe he was right. You think Tyr was helping the giants? I do. He felt responsible for the suffering visited upon them by Odin. I suspect he had something to do with helping them cover their tracks. The missing Jotunheim tower. Correct. Whatever happened to it, I believe it could only have been done with Tyr and the giants working together. तो जायंट्स का सीक्रेट चुराना चाहते थे ओडिन उनको हराने के लिए लेकिन टियर ने उनकी मदद नहीं की बल्कि उल्टा टियर ने मदद कर दी जायंट्स की योटनहाइम टावर छुपाने में। तो इसी के अंदर है ब्लैक रून लेकिन निकाले कैसे यार इसके अंदर से तो मिमिर हो या फिर टियर हो यार ये सब ओडिन के लिए ही काम करते थे लेकिन ओडिन को सब पे शक होने लगा था और मिमिर के ऊपर भी शक हुआ था कि शायद वो जायंट्स का साथ दे रहे हैं इसलिए मिमिर को कैद करके रखा था ओडिन ने और इसलिए डेली टॉर्चर कर रहे थे मिमिर को क्योंकि उनको शक था कि ये जायंट्स का साथ दे रहे हैं और एसियर गॉड्स का साथ नहीं दे रहे हैं लेकिन ऐसा था नहीं यार मेरे को पता था इतना आसान नहीं होने वाला है इसके अंदर ब्लैक रून और मुझे एक विंड्स ऑफ हेल दिख रही है तो विंड्स ऑफ हेल का करेंगे क्या हम लोग यार अच्छा फॉर द विंड्स ऑफ हेल बट वेयर डू यू थिंक द विंड्स आर द विंड्स ऑफ व्हाट ओह वी फॉरगॉट टू मेंशन दैट व्हेन यू वर सिक वी वेंट टू हेलहाइम टू गेट योर क्यूर यू डिड टेरिबल एक्सपीरियंस बाय द बाय योर डा पिक्ड अप अ न्यू ट्रिक थो विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम ब्रॉक ब्रॉक वाज देयर टू आई बट वी विल गेट बैक टू दिस लेटर एट्रियस को बता दिया मिमिर ने कि जब वो बीमार था तो हम लोग हेलहाइम में गए थे और एक नई ट्रिक मिल गई है ब्रॉक की मदद से अ स्कीन ड्यू फ्रॉम माय होमलैंड यूज्ड टू हैव वन ऑफ ओन बैक इन द डे यू शुड टेक इट बॉय यस बॉय टेक इट वी माइट नीड टू बटर ब्रेड समवेयर इन आवर ट्रैवल्स दिस इज व्हाई नो वन लाइक्स यू अभी जो सामान मिला ना तो क्रेटोस बोल रहे हैं कि हो सकता है हम लोग रास्ते में मक्खन लगा के खाएं ब्रेड पर तो मिमिर बोलता है इसीलिए तुमको कोई पसंद नहीं करता हर चीज का मजाक उड़ाते हो यार हाँ हाँ ठीक है इसको इसमें फिट करना है तो अभी देखते जाओ यार ब्लैक रून इतना आसानी से मिलने वाला है नहीं अब इससे क्या होगा इससे कोई दरवाजे खुलेंगे सामने मुझे नजर तो आ रहे हैं दरवाजे उसके अंदर भी ट्रैप है यार ये यानी आज बहुत मेहनत होने वाली है भाई यार ये तो बहुत ज्यादा तेज है भाई ये तो रास्ता ही नहीं दिया आगे जाने का आगे कैसे जाऊं मैं यार इतने पतले तो क्रेटोस है नहीं अच्छा रिंग्स है यहाँ पे वही तो मैं बोलूँ यार आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिया है ब्लेड ऑफ केओस से नहीं हो सकता निकालो एक्स नहीं रहता तो यार क्या ही करते यहाँ तो जा ही नहीं सकते थे हम लोग बिना एक्स के ये उल्टा होना चाहिए हाँ आगे क्या है भाई आगे क्या रखा हुआ है खजाना निकाल लो यार एक्सपीरियंस छोटू को जानना है कि क्रेटोस को कैसे पता था यहाँ पे खजाना रखा हुआ है यार ऑब्वियसली जब ट्रैप लगा के रखा है तो अंदर कुछ ना कुछ तो जरूरी चीज होगा वरना कोई पागल थोड़ी के रास्ते में ट्रैप लगा देगा अब वहां भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है यार Look, small passages on either side. Perfect for the boy. बच्चा तो जा सकते हैं साइड से लेकिन थैंक यू एट्रियस बताने के लिए कि मेरे लिए बहुत ही छोटा रास्ता है मैं नहीं जा सकता हूँ यार कुछ ज्यादा ही तेज है यार इसमें से निकल पाएंगे क्रेटोस आई डोंट थिंक इतने पतले तो नहीं है लेकिन मैं निकलने की कोशिश करता हूँ एक सेकेंड का टाइम मिलता है निकलने के लिए हाँ ये चलो ठीक है अच्छा मिमिर डरा मत यार मिमिर बोल रहा है कि अगर दो पार्ट में कट जाओगे तो फ्रेया जिंदा नहीं कर पाएगी
तो इन ब्लेड्स को रोकना होगा। रुक जा, और ये दूसरा ब्लेड जैसे ही नीचे जाएगा मैं दौड़ने वाला हूँ। चलो एक और ट्रैप दिख गया, यहाँ पे अब लेके आना होगा यार विंड्स ऑफ हेल। छोटू आजा, इतना सॉलिड म्यूजिक क्यों हो रहा है यार, कोई आने वाला है क्या? कुछ यहाँ 3-5 होने वाला है भाई। बच्चे देख के उठाना यार सामान, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा मुझे यार। जब भी इतना इंटेंस म्यूजिक होता है ना कुछ गलत होता है मेरे साथ। क्रेटोस को कुछ दिखा? ये क्या है? बहुत गौर से देख रहे यार क्रेटोस, इसके अंदर ऐसा है क्या कोई स्पेशल पावर? अरे ये क्रेटोस है क्या? ओ भाई ये क्रेटोस है, हाथ में दोनों ब्लेड, ये क्रेटोस बने हुए यार इसके ऊपर आई थिंक। यार क्रेटोस है, कमेंट में बताना तो मुझे, ये ऐसा नहीं लग रहा था इसके ऊपर क्रेटोस को किसी ने बनाया है। ब्लेड ऑफ केओस तो थी हाथ में यार। ये देखो बच्चा क्या कर रहा है क्या रख लिया क्रेटोस ने, तोड़ दिया। Enough distraction. Do not forget why we are here. ठीक है, भूलना नहीं क्यों आए हम लोग, लेकिन क्रेटोस थे यार वो, मुझे जहां तक लग रहा है। अच्छा तू क्या टाइम पास कर रहा है? तो जितना जल्दी ब्लैक रून मिलेगा भाई उतनी जल्दी हम लोग योटनहाइम में जा सकते हैं। बच्चे ने देख लिया आखिरकार फेंकने का फायदा क्या हुआ। तो अब यहाँ पे विंड्स ऑफ हेल को लेके आना होगा यार। That's my great desert land, very far from here. Do gods live there? Oh my, yes. Many, many gods. Good or bad? And not as simple as that, I'm afraid. तो विंड्स ऑफ हेल को अब यहाँ से ले जाके अंदर ले जाना है, ठीक है? ये सिंपल लग रहा है, पर इतना सिंपल ये लोग होने नहीं देंगे। आ गए फुंतरू लोग। चलो मैं तुम्ही लोग का वेट कर रहा था यार, कब से मेरे हाथ खुजा रहे थे फुंतरू लोग के लिए। हाँ छोटू शुरू हो जा, बहुत बढ़िया छोटू, तेरा ही तो वेट कर रहा था मैं। वाट लगा दे सबकी, छोटू के तीर क्या अपग्रेड हो गए, छोटू सबकी बैंड बजा रहा है, वाह यू एड्रियस। छलनी छलनी कर दिया यार सबको। अच्छा जब से ब्लेड ऑफ क्योस मिले हैं ना यार, ये फुंतरू लोग भी मुझे अच्छे लगने लगे हैं, ताकि मैं इन लोग को मार के यार अपना जलवा दिखा सकूं। तुम लोग क्या तेल लेने? अब यार तुम लोग अब अकेले कुछ नहीं कर सकते, पहले भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब तो कोई चांस ही नहीं बनता कोई हैवी बॉस को लेके आओ यार। तुम लोग की बस की नहीं है, अब तुम लोग हाथ साफ करवाने आए हो मेरा। अरे रे रे, आजा आजा वापस आ, एक और बार चाहिए क्या? ऊपर से छोटू भी अपने साथ, जब छोटू पिछले बार नहीं था तब इन लोग इतनी बैंड बजा रहे थे हम लोग दो एक साथ। अरे नीचे मत जाना, नीचे मत जाना यार, मैं मारना चाहता था, नीचे जाके मर गया। अच्छा आए जा रहे हैं, सही है सही है, भेजते रहो भेजते रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ यार, देते रहो मुझे, मैं चाहता हूँ फुंदरू लोग को मैं मारते रहूँ। बच्चा भी देख रहा है नया नया मूव। अच्छा ब्लेड ऑफ क्योस के बारे में एड्रियस ने पूछा नहीं, पता है एड्रियस ने अभी तक एक बार भी नहीं पूछा कि ये ब्लेड ऑफ क्योस या जो भी है ये कहां से आया, या हो सकता है पहले देखा हो यार एड्रियस ने, पर मुझे नहीं लगता कि क्रेटोस ने दिखाया होगा कभी एड्रियस को। छोटू तेरे को तो मैं खींच के मारूंगा, आ जा। चलो ये सारे खत्म हो गए, अब अपना काम है भाई विंड्स ऑफ हेल को अंदर लेके जाना। What did you see in that vault that set you off? It is not important. Seemed important to you. It was a rash impulse. I will not dwell on my failing. Wow, that was almost an apology. Well, I guess you do like this rash part. अरे एक तो हर जगह एक ही जैसा दिख रहा है यार, किधर था वो? टाइम खत्म हो गया, फिर से खींचना होगा यार, ये क्या बात है। तू स्पॉट को फोड़ते हुए देख लिया था यार एट्रियस ने, और पूछा कि ऐसे मतलब अजीब टाइप से बिहेव क्यों करने लगे थे, तो क्रेटोस ने मना कर दिया नहीं बताया। तो अभी यार इसको फिर लेके जाना होगा। ये जो 10 सेकंड वाला टाइम है ना यार, ये सबसे बुरा लगता है। अरे मैं गलत जा रहा हूँ, किधर गया? इधर है छोटू, तू खड़े रहा कर यार, ताकि मुझे पता रहे। अरे मनहूस, एक नंबर के मनहूस यार ये लोग यार,
मेरा विंड्स ऑफ हेल बर्बाद करवा दिया तुम लोग की ऐसी की तैसी। अभी लेके आया था यार मैं, जानबूझ के उसके सामने खड़ा हो गया मनहूस कहीं का छोटा पुत्रू तेरी, तो ये ले। चलो ये भी फट गया, फिर लेके आना होगा। क्या मनहूस लोगे यार, टाइम वेस्ट करवा रहे मेरा। अब किधर गया विंड्स ऑफ हेल, एक तो नाचे जा रहा है इधर से उधर। अरे रुक जा, आइए ना इस बार कोई आके दिखाए। चलो इसके अंदर जाना चाहिए, ठीक है ये हुआ यार, यही करना था अपने को। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ट्रेजर है, कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पता नहीं दोबारा आ पाएंगे कि नहीं यहाँ। तो एट्रियस बोल रहा है कि उसको सब सच्चाई जाननी है, और भले ही उसको सच्चाई जानने के बाद बुरा लगे लेकिन उसको जानना है। तो एट्रियस को सब कुछ जानना है भाई, और एट्रियस ने बोला है कि आपको भले ही गॉड बन के बुरा लगता हो लेकिन जरूरी नहीं कि मुझे भी बुरा लगेगा। एट्रियस काफी एंजॉय कर रहा है यार, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एट्रियस थोड़ा थोड़ा घमंडी होते जा रहा है, आप लोग भी बताना कॉमेंट में। ऐसा नहीं लग रहा है कि एट्रियस घमंडी हो रहा है? यहाँ पे देखो मेन चेस्ट रखा हुआ है यार, ये तो लेना ही है किसी भी हाल में। ये लॉक है, तो तीन साइंस खोजने होंगे फोड़ने के लिए, जिसमें से मुझे एक भी साइन नहीं नजर आ रहा है ऐसा क्यों। ओ एक दिख गया, एक दिख गया, एक तो यही है। वायर ब्लेड ऑफ केओस से फूटेगा, फोड़ दिया, चलो एक फोड़ दिया, दो और बचे हुए। ये खजाने को छोड़ना नहीं यार, ये मेन चेस्ट है, बाकी सबको छोड़ दूँ तो चलेगा भी लेकिन इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बाकी दो साइन अभी देखते हैं, हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव भी करते रहते हैं और खोजते भी रहेंगे, अगर दिख गया तो अच्छा है, नहीं दिखा तो भाई हम लोग रोक के खोजेंगे। चलो यहाँ से निकला जाए, एक और डोर खुलना चाहिए कहीं पे। ये रहा सामने एक और डोर है यहाँ जाने का, अभी एक और साइन दिख गया। ये ब्लेड ऑफ केओस वहां तक नहीं पहुंच रहा लेकिन मेरा एक्स तो पहुंचेगा ना। नीचे आ जा, दो साइन दिख गया, एक और चाहिए यार, चेस्ट खुल जाएगा उसके बाद। अब इसका क्या इंतजाम किया जाए, ये तो एक के बाद, अच्छा एक को फ्रीज कर सकते हैं। साइड में थोड़ी सी जाने की जगह है, छोटू तू जा छोटे रास्ते से यार, बाप के लिए तो छोटे रास्ते बने नहीं है। ये एक बार में चपटा कर देंगे मुझे, गलती नहीं करनी है। साइड में जाके रुक जाता हूँ उसके बाद, हाँ चला जाऊंगा, ठीक है समझ गया मैं। यहाँ पे कुछ है क्या, ले लेते भाई, कुछ छोड़ा नहीं है ना यहाँ पे, नहीं ठीक है, अब डायरेक्ट आगे भाग जाएंगे। चलो तो विंड्स ऑफ हेल को अब यहाँ लेके आना होगा यार, कितनी मेहनत करवा रहे यार क्रेटोस से। तो मिमिर ने बोला था कि इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और मिमिर की बात मुझे सुन लेनी चाहिए थी, अभी बहुत मेहनत करवाएंगे यार ये लोग। एक तो तीसरा साइन भी मेरे को मिल रहा नहीं है, मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो चेस्ट अपन छोड़ नहीं सकते, सबसे इंपॉर्टेंट चेस्ट है यार वो। छोटू ये पढ़ तो, क्या लिखा है? It's the wolf giants. Skull Hati. That's right. The bringers of day and night. Ragnarok begins when they catch the sun and moon. Right? Did Tyr know them? I don't know. Like them well enough to. Don't you enjoy it at all? Being a god? On an adventure in some amazing place? बच्चा पूछ रहा है कि गॉड बनना अच्छा नहीं लगता है क्या क्रेटोस को? Maybe mother wanted us to have a little fun. Everything we've seen and done. Maybe it was her gift. यार बच्चे को अभी अभी पता चला है कि वो गॉड है, अचानक से सरप्राइज और शॉक दोनों हो गया है, और अब वो मजे लेना चाह रहा है। यार एट्रियस तेरे मजे तो ठीक है लेकिन अभी मुझे विंड्स ऑफ हेल नहीं दिख रहा है। I don't see another trap for the... तीसरा साइन मेरे को मिल गया यार, विंड्स ऑफ हेल नहीं मिला लेकिन अब चेस्ट हम लोग खोल सकते हैं जाकर फाइनली। बंद हो जल्दी से, वापस आ। चलो भाई किसी भी खजाने को छोड़ दो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये मैजिकल चेस्ट को छोड़ दिया तो ना ही हेल्थ बढ़ेगी और ना ही रेज मीटर, और वो दोनों ही बढ़ाना बहुत जरूरी है। इससे पहले बाल्डुर आए और दिमाग की दही करे उससे पहले सब कर लेना है यार, पता नहीं लास्ट में कौन आएगा, कुछ ठीक नहीं है, जो भी आएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। हेल्थ वाला एप्पल मिला है तो दो एप्पल और ऐसा मिलेगा ना तो अपनी मैक्सिमम हेल्थ हो जाएगी, उसके बाद फिर हेल्थ नहीं बढ़ेगी, वो मैक्सिमम हेल्थ रहेगी तो दो एप्पल और चाहिए। पर फिलहाल अभी यहाँ ट्रैप क्यों नहीं दिख रहा मिमिर, बता यार विंड्स ऑफ हेल भी नहीं दिख रहा मेरे को। मिमिर कुछ हेल्प कर भाई, विंड्स ऑफ हेल यहां से नजर नहीं आ रहा है, ऊपर जाना होगा विंड्स ऑफ हेल देखने के लिए, लेकिन ऊपर जा, ओ यहां रहा भाई, मैं खोजे आ रहा हूं यार ऊपर जाने का रास्ता,
तो बालकनी से जाके लाना होगा विंड्स ऑफ हेल नीचे। अब इतने जल्दी कैसे लाएंगे यार नीचे, तब तक तो 10 सेकंड का टाइमर ही पार हो जाएगा। यहां से जाके झांकना होगा और विंड्स ऑफ हेल उम्मीद करना होगा कि मिल जाए। ऊपर जाने का रास्ता ये रहा, बस गिरना चालू सब कुछ। आ जाओ भाई यहाँ से। अरे यहाँ पे विंड्स ऑफ हेल, अरे तुम लोग भी आ गए, मैं वेट ही कर रहा था कि तुम लोग क्यों नहीं आया यार अभी तक। छोटू तू क्या कर रहा है, छोटू थोड़ा मार भी यार तीर सबको, बाप से कितनी मेहनत करवाएगा ये देख। ये छोटू फुंतरू को अब हथियार की तरह यूज करने लगे हैं क्रेटोस, उसको तो फोड़ते ही हैं और सामने जो भी रहता है उसके ऊपर फेंक के उसको भी फोड़ देते हैं, तो डबल इंपैक्ट दे रहे हैं क्रेटोस, बहुत ही मजेदार। यार ये लोग भी कम बेशरम नहीं है, इतने इतने मरे जा रहे हैं वापस आए जा रहे हैं, शर्म करो यार। कोई हैवी बॉस को भेजो, मतलब ज्यादा हैवी नहीं, उतना भी ज्यादा हैवी भेजने नहीं बोला है। तुम लोग यार मरते हो फिर आ जाते हो, शर्म आनी चाहिए, फाड़ दिया तुमको फिर आ जाएंगे मुंह उठा के। रेज मीटर लेने का भी कोई जरूरत नहीं था, लेकिन छोड़ो कौन सा दोबारा आना है यार यहाँ पे। चुपचाप से विंड्स ऑफ हेल खींचना है, विंड्स ऑफ हेल है कहाँ, अच्छा उस साइड में पहले। ओहो कोई बचा हुआ है यार, इसीलिए कुछ लेने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अरे तू कैसे बच गया भाई, जब सारे मर गए तू अकेला बच गया। तुम लोग कहाँ छुप के बैठे हुए थे जब मैं सबको पीट रहा था, क्या गुंडा बनेगा रे तू। चलो इसका खेल खत्म। अरे तू अभी भी जिंदा है यार, तू कैसे जिंदा है अभी तक। अब ये दोबारा जिंदा नहीं होगा, बीच से फाड़ा इसको यार। चलो विंड्स ऑफ हेल खींचने का टाइम आ गया है। नहीं नहीं नीचे नहीं जाना है, अभी नीचे नहीं जाना है, रुक जाओ रुक जाओ। थैंक्स टू ओडिन विद गुड रीजन। विंड्स ऑफ हेल यहां से नजर नहीं आ रहा, किधर से दिखेगा यार विंड्स ऑफ हेल। बीच में है विंड्स ऑफ हेल, इतना तो मुझे दिख रहा है, थोड़ा और साइड से जाके देखता हूं। ऊपर से इसको नीचे ट्रांसफर करना है, हाँ तब ताकि हम लोग नीचे से वापस। हाँ ये घूमना चालू हो गया, ठीक है। क्रेटोस के पास दिमाग है, आजा छोटू नीचे आ। और अब नीचे से यार तो आरामी से हम लोग पहुंचा सकते हैं विंड्स ऑफ हेल को अंदर तक, और आई होप कि ये आखिरी हो यार, इसके बाद ब्लैक रून मिल जाना चाहिए। कहाँ गया, तो नाचे जा रहा है इसी के अंदर है ब्लैक रून, लेकिन जब तक ये सारे ट्रैप्स को हटा नहीं देते तब तक मिलेगा नहीं। चलो आ जाओ छोटू फटाफट आ, आई होप काम हो जाना चाहिए यार प्लीज, ये आखिरी है, उम्मीद तो यही कर रहा हूं आखिरी है। चलो नीचे आ गया है। अरे ये क्या हुआ यार, अरे इसने प्रेयर का मैजिक मिटा दिया। कैसे निकल सकते हैं बाहर, तो मून को राइट में ले जाना है, मिडगार्ड को बीच में रखना है और सन को राइट में लाना है। तो ये है अपना पजल और इसको सॉल्व करना है तभी निकल सकते हैं क्रेटोस, वरना गए तेल लेना है। और ये मिमिर भी साथ में डूब जाएगा, और मिमिर तो डूब गया होगा यार अभी तक, क्रेटोस से पहले मिमिर डूबेगा। बीच वाले को खींच यार जल्दी। मून को सही रख दिया है ठीक है, और अब सन को राइट में लाना है, सन भी सही जगह पे है, मिडगार्ड को बीच में करना है। बस हो गया हो गया हो गया ऑलमोस्ट, बस जल्दी कर यार सन को खींच ऊपर। चलो अब ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है आई होप कि ठीक ही हो। ये तो हो गया ना, हाँ हो गया हो गया हो गया। मिमिर डूब गया क्या,
can't drown. Yes, that's something. डूब नहीं सकता मिमिर यानी कि भाई रुका नहीं यार, उल्टा ऊपर जाने लगे हम लोग और ऊपर खंजर लगे हुए हैं, चेन को काटना होगा या रोकना होगा। कैसे रुके यार? You have to stop that chain. I do not know. कैसे रुक, खंजर से रोक रहा है। Wait, I know what to do. Her knife? There's no other way. एड्रियस की मॉम का नाइफ काम आया, लेकिन ये तो अंदर चला गया यार। मरने वाला हूं मैं, कुछ गलती कर दी लगता है। नहीं गलती नहीं की थी, यही स्टोरी था। अच्छा चेन टूट गया, बच गया, दरवाजा भी खुल गया है। तो क्रेटोस को बचाने के लिए यार एट्रियस ने अपनी मॉम के नाइफ को तोड़ दिया है। काम हुआ कि नहीं? ओ चलो फाइनली, पहले इसको पढ़ ले छोटू। तो क्योंकि फ्रेया का प्रोटेक्शन स्पेल अब मिट गया, तो अब कोई भी गॉड ढूंढ सकता है क्रेटोस को। Thought is faster than wind. Ah, a timely hint for something we figured out ourselves. छोटू आजा नीचे। There it is. We've got it. रियून मिल गया भाई, अपने को सामने लेना और निकलना है यहाँ से। लेकिन अब बाल्डूर ढूंढ सकता है अपने को, या ओडिन भी, कोई भी ढूंढ सकता है। Boy. Yeah. क्रेटोस ने एक दूसरी नाइफ दी इसको। On the day you were born, I made two knives, mixing metals from my home and from this land. One for myself, and when you were ready, one for you. Today is that day. Oh, दो knives बनाई थी क्रेटोस ने जब एट्रियस पैदा हुआ था, एक अपने लिए और एक एट्रियस के लिए। So I'm a man now, like you? No, we are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. And you must be better than me. Understand? रेटोस चाहते हैं कि यार उनसे ज्यादा बेहतर बने एट्रियस। You will be better. चलो ठीक है, उम्मीद तो यही है छोटू कि और बेहतर बनेगा तू। Power of this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this, by the discipline, the self-control of the one who wields it. That is where the true strength of a warrior lies. You must never forget that. Good then. Come. रेटोस हर तरह का लेसन दे रहे हैं यार एट्रियस को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन क्या एट्रियस बेहतर बनेगा? रियून आजाद हो गया, मिल गया, यही है रियून योटनहाइम में जाने का। ब्लैक ये क्या हो रहा है? अरे रियून इसके हाथ में बनने लगा, और पीछे क्या हो रहा है? ये कौन जाग रहा है यार, ये क्या है? तो इन भाई साहब का नाम है ग्रिंडल ऑफ द एशेस। आग निकलता है इनके अंदर से, इनके लिए तो लिवाइथन एक्स ही चलेगा। हाँ चिल्लाते रहो तब तक मैं मार मार के हेवी शॉट पूरी हेल्थ खा जाऊंगा। छोटू जब बोलूंगा ना तीर मारना छोटू, समझा? चीटिंग नहीं करना। एक और कहां से आ गया? ग्रिंडल ऑफ द फ्रॉस्ट। भाई यार ये दूसरा वाला भी आ गया यार, नाम तो लिखा हो लेकिन वो दूसरा दिख क्यों नहीं रहा है? आई थिंक मेरे पीछे है, देखो कहां है। अरे दोनों एक जैसे है यार, एक आगे और एक आइस है। एक के ऊपर मेरा लिवाइथन एक्स काम आएगा, एक के ऊपर ब्लेड ऑफ क्योस यूज करना होगा, लेकिन दूसरे वाले से मुझे टक्कर लेने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? ये ग्रेंडल ऑफ द एशेस जब अटैक कर रहा है ना, अगर मैं सामने से हट जाऊं
तो ये ग्रेटल ऑफ द फॉरेस्ट को लग जाएगा। अरे वाह, बाकी तो मुझे लग गया, कोई बात नहीं, चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे। जब तक ये पगलाते रहे तब तक मैं इसको लपेट लूंगा। हाँ, आपस में एक दूसरे की हेल्थ खत्म कर दो यार तुम लोग। बस बस, एक तो गया ही है, बाकी तो दूसरे वाले को भी देख ही लूंगा मैं। इसके ऊपर मेरा लेवाइथन एक्स काम नहीं आएगा। अरे तो मेरे को ऐसा लग रहा है यार कि स्पार्टन रेंज यूज कर ही लेते हैं, पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं, इससे पहले निपट जाऊं यूज कर ही लेता हूं। अरे तू मर जाना यार कम से कम, बाकी दूसरे वाले को तो देख ही लेंगे। चलो मर जाओ मर जाओ मर जाओ, अभी भी नहीं मरा यार ये, कोई बात नहीं, एक को तो निपटा के जाऊंगा यार मैं। चलो एक ऑलमोस्ट खत्म ही है, आई थिंक खत्म। हाँ, और ये दूसरा वाला भी जाने ही वाला है। ब्लेड ऑफ क्योस निकालने दो यार। हाँ मारते रहो, ब्लेड ऑफ क्योस निकालने दो भाई मेरे को। पहले ये सब ले लेते हैं, हेल्थ भी रखी हुई है यार यहाँ पे। अब एक साथ दो दो आने लगे यार, ये तो अब कॉमन हो गया है। चलो ये भी खत्म, छोटू चल निकला जाए यहाँ से, इससे पहले कोई और पनौती गिरी हो यहाँ पे, निकलते हैं। He was big, but no match for us God. Oh, घमंड। Puny troll. Yeah, I'm turned around. Which way is the sandball back up? तो यार एक नई एबिलिटी दी इन लोगों ने, ये। Yeah. चलो अच्छी लग रही है, निकला जाए अभी यहाँ से। सैंड बॉल ऊपर रखा हुआ है और वहीं जाके अपने को ये रून डालना है जो कि एट्रियस के हाथ में बना था और एट्रियस ने आई थिंक देख लिया उसको। अच्छा, एट्रियस बोल रहा था इन लोग कि अरे ये सब तो बेकार है, हम लोग गॉड है यार, ये बेकार के ट्रोल अपना क्या बिगाड़ लेंगे। तो एट्रियस ऐसा लग रहा है मेरे को भाई घमंडी होते जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि इसको गॉड बनने का घमंड हो गया है। तो एट्रियस है अच्छा ही, लेकिन बच्चा ही है ना, तो उसको अचानक से पता चल गया यार वो गॉड है, तो हर चीज को अब मतलब वो छोटा समझ रहा अपने आगे। एट्रियस छोटू यहां से निकलने का रास्ता बता दे बाप को यार, ये दरवाजा, आजा छोटू आजा, कोई काम का नहीं है छोटू। जब से गॉड बनने का इसको पता चला ना यार, काम आना बंद हो गया ये। डाल भाई सैंड बॉल भी अपने साथ नीचे आ गया था छोटू। तो अब अपने को जाना है कहाँ पे, याद है जहाँ पे मिमिर मिला था वहीं पे एक मैजिकल डोर था, वहां जाके ये रियून जो अभी मिला है उसको डालना होगा, तो योटनहाइम का ब्रिज खुल जाएगा और तब क्रेटोस और एट्रियस यार योटनहाइम जा पाएंगे फाइनली। अंत कितने नजदीक, बहुत ही ज्यादा। कुछ दिखा रहे एट्रियस, near the place of my birth. तो क्रेटोस का जहां जन्म हुआ था ये वाइन उसी एरिया के आसपास बनती है। बेटे को दिखा रहे हैं। Lemnos. क्रेटोस हंसते भी हैं, अच्छा। ये तो अच्छा देखा, हल्का सा हंसे थे यार। अरे हंसे यार क्रेटोस। चलो दोनों खुश हैं कि अंत के हम लोग करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है। जैसा मिमिर हमेशा बोलता है कि सोचना हिम्मत इतना आसान होगा, तो मैं भी वही बोलूंगा यार, इतना आसान नहीं होने वाला है अंत। फादर, व्हाई डिड यू लीव योर होम एंड कम हियर? Does it have to do with the other gods there? It's just you hate the gods so much. But Tyr proves that gods can be good. And you're good. You only killed those deserving, right? तो एड्रियस पूछ रहा है कि अपना घर छोड़ के क्यों आए क्रेटोस यहाँ पे? क्या दूसरे गॉड्स की वजह से? Ah, but who's worthy enough to judge? Quiet head. We are. We know better. Sounding more like your da by the moment. तो मिमिर ने यही बोला कि यार कौन डिसाइड करेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है?
Ready. Come. तो एट्रियस ने बोला ये तय क्रेटोस और एट्रियस करेंगे कि कौन बनना डिजर्व करता है। I think I'm gonna like being a god. इसको मजा आ रहा है गॉड बन के, लेकिन एट्रियस यार बदतमीज होते जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? द ब्लैक रून कंप्लीट हो गया है, अब सीधा जाना अपने को वापस पहाड़ के ऊपर। चला जाए, आ जा छोटू यार, ये तय करेगा अब कि कौन मरना डिजर्व करता और कौन नहीं मरना डिजर्व करता है। मिमिर अच्छा सबक सिखाना चाह रहे, लेकिन छोटू अब किसी की नहीं सुन रहा है। ये तो अच्छा है यार कि क्रेटोस से अभी तक कुछ भी उल्टा नहीं बोला एट्रियस ने, वरना पिटेगा जरूर। छोटू आ जा। तो मिडगार्ड के सबसे ऊंचे पहाड़ पे हम लोग जा रहे हैं और वहां से हम लोग जाएंगे योटनहाइम में। योटनहाइम जाने का सीक्रेट पासवर्ड तो मिल ही गया है। Another name. Rota. Another Valkyrie. That's no coincidence. But who'd have etched them on Tyr's braziers? चल यार छोटू, अब यहाँ पे और कोई काम नहीं यार, मैं उल्टा क्यों जा रहा हूँ। आ जा यार, निकलते हैं यहाँ से और जल्दी से पहाड़ के ऊपर चलते हैं। I'm gonna tell Sindri I'm a god. I'd like to see the look on his face. No, I may have kept your secret too long, but now you will keep our secret. Can you read it? Yes, sir. तो एट्रियस बताना चाह रहा है सिंद्री को कि वो गॉड है, लेकिन I can read these now. It says Muspelheim, the fire realm, is the gauntlet of the sewer, sir. Like a magic glove? Or a series of dangers. We should go see sometime. Our young god knows no fear. मिमिर बोल रहा है कि अपना जो जवान गॉड है उसको डर नहीं लगता है, यानी कि एट्रियस के बारे में बोल रहा है। Why should we hide what we are? Secrets are Odin's way. Shouldn't we be open? Like Tyr? Tyr kept secrets too, for good reasons. To protect people. It is wiser to be discreet. That doesn't mean you should lie to your friends or your family. I'm sure Sindri would understand and do. तो Sindri को बताने से मना किया है क्रेटोस ने कि ये मत बताना कि क्रेटोस और एट्रियस गॉड है। Excited to finally see the land of the giants? Yeah, but also sad the journey's almost over. Oh, what if we get to Jotunheim and there aren't any giants there either? Makes little difference to us. Fulfilling your mother's wish is what is important. Ah! Well, don't go anywhere. Be with you in two shakes. Father, can I tell him? No. Tell me what? Did you put this wheel in your mouth? Oh god, I'll vomit. I'm not kidding. I'll throw up on it. It is nothing. A family matter. Oh. Oh, I can tell you a thing or two about family matters. Oh, let me guess. Your brother isn't as talented as you, and his work is junk. Those things are accurate. Your point? It's all you ever talk about, over and over. Do something about it or shut up already. I see. Yeah, we're sick of hearing about little people's little problems. बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया यार ये एट्रियस। Alright. That hurt a little. बहुत ज़्यादा बोल दिया यार सिंद्री को। Let's have a look at your gear then. क्रेटोस भी देख रहे हैं यार, ये छोटा साइज के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है। मतलब इसको पता क्या लग गया कि ये गॉड है यार, ये तो इतना बदतमीज़ हो गया। मतलब कि तुम अपने भाई के बारे में सिर्फ बकवास करते रहते हो, या तो कुछ करो जाके अपने भाई के साथ, दोस्ती करो या दुश्मनी करो, और बकवास करना बंद करो अपने भाई के बारे में। यार सही नहीं किया यार एट्रियस ने। I'm glad I'm still useful to you. सिंद्री भी यार बुरा मान के बैठ गया है, पर यार ये गलत किया यार एट्रियस ने। एट्रियस का एटीट्यूड चेंज होते जा रहा है पूरी तरह से। अरे तुम लोग कहाँ से आ गए यार? एट्रियस का अगर यही व्यवहार रहा है यार, तो ये आगे बहुत मतलब डेंजर करवा देगा अपने लिए। अच्छा और भी लोग आ गए, ठीक है सबका स्वागत है यार। बेटे से अभी गुस्सा ही हूँ मैं। एट्रियस का व्यवहार अच्छा नहीं लगा यार, मुझे लगा था लास्ट अब आएगा एट्रियस तो अच्छा रहेगा। एट्रियस का पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया जब से उसको गॉड बनने का पता चला है। वो अपने आप को सबसे भाई ऊपर समझने लगा है, सोच रहा है कि अब गॉड बन गया हूँ तो भाई सबसे बेटर हूँ मैं। तो आप लोग बताओ यार कॉमेंट करिए, एट्रियस का ये करना सही था या नहीं। सामने वाले वुल्फ को गिरा जाए इसकी मदद से, बहुत ही अच्छा। आदियल खा गए भाई साहब सस्ते किंग कॉन्ग। उस भेड़िया को देखते हैं, छोटू सिर्फ बातें करता है या तीर भी मारेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे।
आ जाओ भेड़िया भाई साहब। अरे ये लोग यहाँ भी आ गए पीछा करते करते। सामने आ जा सामने। अरे रे रे रे, चलो कोई बात नहीं, लग ही गया, खत्म है यार ये। आजा सामने आजा। हाँ फाइनली इसका गेम बच गया भाई। अब इसको मैं जाने ही नहीं दूंगा, एक बार पकड़ लिया अब इसका खेल खत्म। छोटू बहुत ज्यादा बोल रहा है यार। तो छोटू भाई साहब ये बोल रहे हैं कि इन लोग को मारने में मुझे पहले बुरा लगता था, हाँ ये लोग मुझे रोकेंगे, हाँ मतलब बहुत ज्यादा घमंडी होते जा रहा है। ये टूटा हुआ है यार ये। Broken again. You know, I'm starting to question Sindri's skill. देख लो। Maybe Brock was right all along. देख रहे हो ना, ये टूटा हुआ है तो बेचारे सिंदरी को बोल रहा है कि सिंदरी सही नहीं है और ब्रॉक सही थे। सिंदरी को लगता है काम करना नहीं आता है। कैसे तो क्रेटोस ने अभी तक कुछ बोला नहीं छोटू को। रेट ऑफ क्यों? अच्छा ये पीछे वाले को फाड़ना होगा। आ जाओ ए छोटू, तेरा काम आ गया है। व्हाटएवर? अरे ये क्या भाई, तीर मारने बोला तो बोलता है व्हाटएवर। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है इसका यार। छोटू तू अब ज्यादा कर रहा है, यहाँ पे जहर। अच्छा इसको पहले आग जलानी होगी भाई इसके अंदर। निकालो यार ब्लेड ऑफ क्योस। वॉट एवर बोला यार इस, पहले यस सर बोलता था, अभी वॉट एवर बोलता है यार ये। रेटो से भी ये बदतमीजी करेंगे, ये लात खाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। इसको पड़ेगी डांट बहुत गंदी वाली। चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। छोटू तो बहुत ज्यादा बोलता है। ऊपर जाने का रास्ता किधर से होना चाहिए? इधर से। तो ये फूटेगा क्या? चलो ये जितना फटना था फट गया, खत्म इसका खेल। अभी छोटू को कुछ ही टाइम हुआ है पता चल के कि वो गॉड बना हुआ है यार। और इतना देख रहे हो घमंडी होते जा रहा है। क्रेटोस ने कहां बोला कि मुझसे ज्यादा बेहतर बनो? और क्रेटोस तो यार वो सब गॉड्स की जैसा हो रहा है जिनको मारा है यार क्रेटोस ने, क्योंकि वो लोग घमंडी थे, अपने को सबसे ऊपर समझते थे, इसलिए क्रेटोस ने मारा था। आजा छोटू आ जा यार, बाप को जहर के रास्ते चलना पड़ रहा है। आजा, ऊपर जाने का रास्ता इधर ही से है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ मिस नहीं ना कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं है कि दोबारा यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे भी इस रेल्म से निकलने के बाद दोबारा यहाँ आने का कोई काम है नहीं, जब तक अपने घर वापस नहीं जाना हो तब तक तो नहीं काम है यार। Why did you speak to the dwarf like that? Aren't you sick of hearing about him and his brother? Of course. But it serves nothing to make an enemy of him. He should know the truth, even if it hurts. It was needless and unkind. Truth is more important than kindness. Your mother would disagree. She wasn't a god. हाँ? भाई सुन रहे हो? क्रेटोस ने बोला यार ऐसे क्यों बात किया, उसको दुश्मन बनाने की क्या जरूरत है? और क्रेटोस ने बोला कि तुम्हारी माँ को ये बात पसंद नहीं आती। तो एट्रियस बोलता है वो गॉड नहीं थी। क्रेटोस भी थक गए हैं कि सिंदरी और ब्रॉक एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, लेकिन क्रेटोस ने उन लोगों को कभी उल्टा सीधा कुछ बोला नहीं। और ये छोटू बताओ मतलब इजी करने लगा है सबसे। तो क्रेटोस ने बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि एट्रियस की मॉम एक आम इंसान थी, लेकिन उनको क्रेटोस के बारे में पता था कि क्रेटोस गॉड है और एट्रियस भी गॉड है। आजा छोटू। बदतमीज होते जा रहा है यार एट्रियस। No. Why not? We're almost there. You know I can handle it. Can you? After the way you spoke of her, I question that. What? That she wasn't a god? She was better than a god, and you shall not dishonor her. Fine. Carry her yourself. पर बात करने का तरीका सुन रहे हो यार? तो फी की अस्सी को यहाँ से कैरी करना चाह रहा था एट्रियस, लेकिन क्रेटोस ने मना कर दिया। और एट्रियस को ये बोला कि जिस तरह से तुमने अपनी माँ के बारे में बात किया वो बहुत ही गलत था। तो एट्रियस बोलता है कि यार मैंने तो सही बोला ना कि वो गॉड नहीं है। तो क्रेटोस ने बोला कि वो गॉड से ज्यादा बेटर थी और उनकी दोबारा बेइज्जती मत करना। इस छोटू को पड़ेगी मुझे लग रहा है यार, ये अब किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। और आई थिंक कि क्रेटोस को भी कुछ नहीं समझ रहा है, जब से इसको पता क्या लगे है कि ये गॉड है यार, सबसे ये किसी को कुछ नहीं समझ रहा अपने आगे।
यार ये तो निकले ही जा रहे हैं, अजीब चिमगादड़ लोग हैं यार, अब फटेंगे ये लोग। चल एक बार में चार चार पांच पे चार, कैसे चिल्लाते हो पागल जैसे आए जा रहे हैं। आई थिंक ओवर हो गया, तू अकेला बच गया है। 1 खजाना, मुझे 2 खजाने सामने दिख रहे हैं, एक तो सिंपल है, इसको उठा लेते हैं। I suppose we can't rule it out, but Odin's ways are subtle and his purposes are. Enough about Odin and his whole stupid family. यार एट्रियस ओडिन की फैमिली को स्टूपिड बोल रहा है यार। जब ओडिन के बारे में मिमिर बताता है तो क्रेटोस भी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अब छोटू को इन सब बारे में नहीं सुनना है यार। बहुत ज्यादा ही घमंडी हो गया यार एट्रियस, और बदतमीज तो खैर की बोलो ही मत, बहुत ही ज्यादा। चलो मैं अपना खजाना लेता हूँ और फिर इस नालायक बेटे को लेके चलता हूँ। यार बताओ, इसको बचाया था हमने लास्ट एपिसोड में, इसको मैं मिस कर रहा था, बदतमीजी करने लगा अब। छोटू आ जा, चल यार बदतमीज छोटू, इतना अच्छा बच्चा था यार ये स्टार्टिंग में। तो चलो पहाड़ तो दिखेगी, अब बस यहाँ से जल्दी से ऊपर जाना है जहाँ पे मिमिर भाई साहब मिले थे अपने को। छोटू आ जा यार, अब बकवास करते मत चल यार, वरना कोई ठीक ठिकाना नहीं है। किसी से इसने कुछ उल्टी सीधी बात बोल दी ना यार, लेने के देने पड़ जाएंगे। आ जा छोटू, यहीं से होके जाता ऊपर का रास्ता। इसको फोड़ तो क्या है इसमें, चट्टान कहाँ से गिर रहा है यार। I suppose that's Odin's doing too. ओडिन को बोल रहा है यार कि चलो कोशिश करते रहो रोकने की, लेकिन कोई नहीं रोक सकता अपने को। देखिए कॉन्फिडेंस अच्छा है यार, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट अब साउंड कर रहा है एट्रियस, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो शुरू से इसको लेसन दिए जा रहे थे क्रेटोस, बट वर नॉट टीर वाजंट फ्रेया नाइदर द एसर गॉड्स, दैट्स हु इज इविल, एंड यू नो व्हाट, ओडिन इज राइट, we are a threat because we know what they are and we know we can beat them. Well, not all of them, not yet. Magni did his worst and he's dead. They're no better than us and they're going to be sorry they picked this fight. बाप रे, एट्रियस का घमंड तो यार कुछ ज्यादा ही सर चढ़ के बोले जा रहा है। तो एट्रियस बोल रहा है कि ओडिन को हम लोग मार देंगे, तो मिमिर ने समझाया कि अभी नहीं हरा सकते यार। तो एट्रियस बोलता है कि यार थॉर का बेटा भी तो आया था, उसको भी तो हरा ही दिया यार। इसको ऐसा लग रहा है कि ये ओडिन और उसकी पूरी फौज को अकेले संभाल सकता है। छोटू ऐसा नहीं है, पापा ने अभी 2 मिनट के लिए साथ छोड़ा ना, तब समझ में आ जाएगा। आ जाए ओए, चल यार अंदर चला जाए, यहीं से जाने का रास्ता ऊपर, कुछ मिस नहीं कर रहे हम लोग, एक बार देख ले रहा हूँ मैं। अब कुछ नहीं छोड़ा, कोई खजाना वजाना नहीं भाई, चल आ जाओ छोटू। बदतमीज हो गया यार छोटू, यार बेटा नालायक निकल गया, इसको इतनी लैग बनाने की कोशिश की क्रेटोस ने। ये आगे कौन खड़ा हुआ है, अरे छोटा बेटा। Blame me. Me for what you did to Magni. My own father called me a coward. Looks like he did more than that. Move it. Or we'll pick up where he left off. Oh. Kill you. थॉर ने कूट के भेजा अपने ही छोटे बेटे को। No. He is beaten. Not worth killing. He should pay for what he said about mother. I said no. छोटे बेटे को एट्रियस ने मारा। You killed against my wishes. You lost control. Haven't you been teaching me to kill? I've been teaching you to survive. We are gods, boy. And that makes us a target. From now until the end of days, you are marked. So I teach you to kill, yes. But in defense of yourself. Never as an indulgence. Nobody cared about him anyways. What's the difference? There are consequences to killing a god! Why? How do you know? How do you know? Watch.
बॉय चिल्ला के बात करता है, व्हाटएवर बोलते हुए जाता है यार, ये पिटेगा यार। क्रेटोस समझा रहे कि एक गॉड को मारने का बहुत बुरा अंजाम हो सकता है, तो चिल्ला के पूछता है कि आपको कैसे पता। क्रेटोस ने बोला कि आवाज धीरे कर ले, पिटेगा यार ये बहुत गंदा पिटने वाला है। एट्रियस काम कर रहा है यार पिटने वाले, व्हाटएवर बोलते हुए चलता है बाप को यार भाई देखो फिर व्हाटएवर यार व्हाटएवर ओपी कर लो भाई चैट में एक बार यार ये बेटा गड़बड़ी कर रहा है। अरे एक तो बेटे से मैं अभी ऐसे ही परेशान हूँ और जब तुम लोग आ गए छोटू काम पे भी लग सिर्फ बकवासी करेगा क्या यार, ये आराम कर रहा है बैठ के। तो क्रेटोस ने बोला कि हम लोग मारते हैं किसी को तो सर्वाइव करने के लिए या फिर अपने डिफेंस में, कभी बेकार का नहीं मारते हम लोग। ऊपर से गॉड को मार दिया यार इसने, थॉर के छोटे बेटे को मारा है बताओ। Keep your wits about you, boy. If Modi found us, Baldur cannot be far. Good. I have a few words for him too. No, you do not. You will leave him to me. So you can kill him. Because that's what we do to our enemies, right? Because he'd do the same to us. I will do only what is necessary. And I'll help. No. तो जब थॉर के छोटे बेटे ने खोज लिया अपने को, तो बाल्डर भी खोज ही लेगा, क्योंकि वो मार्क हट गया यार अपने ऊपर से। और छोटू सोचा कि बाल्डर जब आएगा तो उससे ये बकवास करेगा। क्रेटोस ने मना किया है कि उसको मेरे पर छोड़ देना और जो भी जरूरी होगा उसके साथ वही किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि उसको मारूं मैं। मर जा यार मर जा, छोटू से परेशान हुआ अभी मैं। मिल के अंदर एक बार हम लोग दोबारा आ गए हैं। ये रहा मिल, यहाँ पे बहुत लंबा रास्ता तय किया था, अब तो डायरेक्ट जा सकते हैं ऊपर, तो अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो चलो भाई आज का गेम प्ले यहीं पे ख़त्म करेंगे हम लोग, और छोटू हो गया बदतमीज़, अभी देखते हैं आगे और क्या क्या गुल खिलाता है ये। तो मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा भाई, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, और ऐसे ही एपिसोड्स आते रहेंगे। चलो बाय बाय।